And I am from Mohali, Punjab, and I've been working since 4 years practicing. So first I was I used to do home visits a little bit, but I didn't like that because we don't get that kind of respect now. Now I work in my own clinic. After marriage, actually, me and my husband, we both were together during studies. Yeah. So, now we have a clinic and I work here. But it was a challenge, sir. जब ये open करने की thought थी, like last year August में, तो तब हमने ये सोचा कि चलो करते हैं, थोड़ा बनाते हैं कुछ, है ना? तो ये तो था कि चलो ये बना लेंगे, but मन में ऐसे एक डर के पता नहीं क्या करेंगे, होगा मेरे से नहीं होगा, तो एक्चुअली सर पास्ट में काफी स्ट्रगल रहा है और उस वजह से अगर मैंने कुछ खोया था तो वो था मेरा कॉन्फिडेंस. बट सर एक चीज मेरी शुरू से क्लियर थी कि मुझे, मैं जब मतलब छोटी भी थी तो मम्मी बताते थे कि मैं शुरू से ये बोलती थी कि मैंने कभी भी ऐसे नहीं करना है, मैंने ऐसे करना है. तो तो तब से ये था कि मैं सिर्फ एक हाउस वर्किंग या हाउस होम मेकर नहीं बन के रहूंगी, तो आई हैव टू डू समथिंग. सो कर तो लिया सर, बट अब ये था कि सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने फेस किया, पहले तो जो विजिट्स में मैंने फेस किया था कि लोग ना, एक तो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, दूसरा पेशेंट्स हमें बता रहे होते हैं कि ये आज नहीं करवाया, ये करवाना है. एंड प्लस सर ये था कि पैसे, मतलब जैसे जब बारी आती थी पैसे, एक तो ये था कि हमें पैसे मांगने के लिए बड़ी अंदर से वो होती थी झिझक के कैसे किसी से पैसे मांगेंगे, तो वो भी सर ऐसा होता था कि लोग मार जाते थे पैसे. तो बट मुझे वही, मैंने थोड़ा टाइम किया, फिर मैं ये तो डिसाइड कर चुकी थी कि अगर मैं ये प्रोफेशन फॉलो करूंगी तो मैं सिर्फ खुद के क्लिनिक में करूंगी, अदरवाइज मैं शायद मैं भी कुछ और कुछ करूंगी, बट मैं सर ये नहीं करूंगी. बट इवेंचुअली सर आप तो मेरे लिए, जैसे मैं कहूंगी कि शायद मैंने अगर कोई विश की थी और मुझे लगता था कि ये तो इम्पॉसिबल विश है, मेरी कभी पूरी नहीं होगी, मुझे लगता था कि मैं ये विश करती थी कि काश कुछ ऐसा हो जिससे कि वो वाला कॉन्फिडेंस मेरा वापस आ जाए और जिन चीजों से मैं अंदर ही अंदर फाइट कर रही हूँ वो मेरी कहीं ना कहीं दूर हो जाए. और ऑब्वियसली मैं ऐसा ही कुछ चाहती थी जो आप, तो सर मुझे याद है मैं इंस्टाग्राम ऐसे स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे आपकी वो शो हुई एड, एंड ऐसे मैंने आगे भी बहुत कोर्सेज मतलब उसमें इन्वेस्ट किया होगा कि चलो देखते हैं, चलो देखते हैं. एंड फर्स्ट टाइम एवर ऐसा हुआ था कि कोई फिजियोथेरेपी के बारे में बात कर रहा था, तो ये बड़ी अलग सी बात थी. तो मैं फिर भी ट्रस्ट कर लेती हूँ, तो मुझे लगा कि गिव इट अ ट्राई. और तब से सर मुझे, तब मैंने आपका जो वो बना टू ब्लिस वाला देखा था, तो उसी में इतना पावर था कि उसी में इतना कुछ था कि मुझे ये था कि आई विश के सर कहें कि अब नेक्स्ट कुछ है कोर्स वगैरह एंड ऑल, तो आई विल डू इट. तो मैं मतलब तभी रेडी थी. तो अब सर ये हुआ है कि बेसिकली कॉन्फिडेंस जीरो था आज के बाद. मैं ये भी आपको बताऊंगी कि जैसे मेरा जो क्लिनिक में जब हमने टेबल और चेयर रखी थी ना, तो मैं सोचती थी कि क्या मैं इस टेबल चेयर को जस्टिस कर सकती हूँ, जहाँ बैठ के मैंने क्लाइंट पेशेंट से मैंने डिस्कस करना है या उनके बारे में पूछना है, तो मैं क्या इसको जस्टिस कर सकती हूँ चेयर को. बट सर मीनवाइल उसी दौरान आप मुझे मिले और मैंने नहीं सोचा था कि आप ऐसा कुछ करोगे, मतलब ऐसा तो कोई कर ही नहीं रहा पूरी दुनिया में, मतलब आप तो पता नहीं जैसे पता नहीं भगवान ही होता है ना कि कोई बस हेल्प चाहिए थी तो मुझे बस किसी तरह मिली. और ऐसा लगता है कि मेरी एक एक्सटेंडेड फैमिली है, पता नहीं मतलब ये सोच के ही मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिला. और मैंने सर कभी भी एडवांस पेमेंट तो ख्वाबों में ही नहीं थी कि कोई एडवांस पेमेंट नाम की भी चीज होती है. और दूसरा ये था कि सबसे बड़ा चैलेंज कि मैं एंटी सोशल हो गई थी अंदर ही अंदर, तो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं पेशेंट्स से कैसे बात करूंगी.
और वैसे मैं बहुत अच्छा, मतलब किसी से अगर मैं बात करूँ तो मैं बहुत अच्छा बात कर लेती हूँ। तो सर जब मैम ने ये चीजें बताई एंड प्लस आपने जब वो चीजें सारी, मतलब वो दोनों चीजें कोई कंबाइन करके बता रहा है, ये तो कुछ नेक्स्ट लेवल ही चीज है। तो सबसे पहली जो अगर मैं कहूंगी कि मैं खुशी से पागल हो गई थी, तब सर आपने ना वो कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी नहीं बताई थी अभी तक, वो लाइक मार्केटिंग सॉरी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। तो मैं जैसे मैम बताते थे कि ऐसे ऐसे डायग्नोस, वो डायग्नोस वाली चीज तो इतनी ज्यादा हेल्पफुल थी कि अच्छा इतना कोई ऐसा कुछ पैरामीटर्स भी हो सकते हैं कि हम इतना मतलब डेप्थ में ही चले जाएंगे और हमें बैंग ऑन पता होगा कि क्या है पेशेंट को। तो वो चीज ने एक तो कॉन्फिडेंस दे ही दिया कि मैं अब बिल्कुल जो भी करूंगी मैं सही कर लूंगी। अब सेकंड बारी आती थी, वैसे वो फर्स्ट पे आती थी क्योंकि जब पेशेंट आता है तो वो सबसे पहले तो आपको, जैसे वो आपने बताया कि हमने उनको ऐसा इम्प्रेशन क्रिएट करना है या उनको इतना ट्रस्ट होना चाहिए हमारे पे कि वो स्टे करे, तो वो हमारे स्टे करेगा तो ऑब्वियसली हम उनको वो जो मैम ने पीपीपी प्रोटोकॉल बनाया, इतनी मतलब वो इतना ब्यूटीफुल है वो, मैं क्या बताऊँ उसके बारे में। क्योंकि मैं अब रिजल्ट्स उसके देख रही हूँ और मुझे लगता है कि मुझे पूछना भी नहीं पड़ता पेशेंट से कि हाउ आर यू फीलिंग, पेशेंट खुद मुझे बताता है वो भी चीजें जो कभी पेशेंट झूठ भी बोल जाते थे। तो सर जो फर्स्ट टाइम मेरी जो उल्टो डांगा एंड सर मैंने आई वॉज नॉट रेडी, थोड़ी सी अंदर एंजाइटी थी, बट जो मैंने कॉन्फिडेंस आपसे गेन किया हुआ था कि उस बेसिस पे आई थॉट कि अगर मैं आज कोई चीज ना कर पाई। I think your video is getting hung. Can you just switch off your video and switch on? Stop video karo and on video karo. Probably we may. I think you have some internet connectivity issue, so that is the reason aapka awaaz cut ho raha hai. So in that case, you can just stop video and speak. You are on mute. तो सर वो पेशेंट आए मेरे पास और मैंने उनसे पूछा, और एक बार तो मेरी हवाइयां उड़ गई थी वैसे, क्योंकि मुझे लगा ओ शिट, मैंने बेल्स पॉल्सी कभी नहीं देखा तो अब मैं क्या करूंगी और मैं किस बेसिस पे पेशेंट को ये बोलूंगी कि नहीं है सब ठीक हो जाएगा एंड ऑल दैट। तो स्टिल मैम आपने जो जो भी बताया, फिर मैंने क्या किया कि मैं तब तो ऑन द वैसे था कि वो मेरे सामने बैठे थे और मुझे था कि अब तो मुझे कुछ करना है, और मैंने सर इतनी स्ट्रेटेजी बना ली थी माइंड में कि लाइक जो मेरा है, तो हमने सोचा था कि लाइक मैं 10% ऑफ करके एक ऐसे बोलूंगी कि लाइक वी हैव अ पैकेज एंड ऑल, उस पर आपको 10% ऑफ हम देंगे, बस इससे ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है ना। तो बट वो भी कन्वे करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि उनको मैं कैसे कन्विंस करूंगी मुझे नहीं पता था, और वो थोड़े थे भी बड़े स्टबन टाइप अंकल। तो स्टिल मैंने उनसे जो भी मैंने बात की, और उन्होंने मुझे बोला कि मैंने आगे भी एक दो जगह करवा लिया लेकिन क्या करते हैं वो करंट से लगा देते हैं, मुझे पसंद नहीं आया, तो आज आपसे एक दिन करवा के देखते हैं तो फिर देखते हैं कि क्या होएगा। तो मैं कहा अंकल जी सिंपल बात है कि एक दिन में तो आपको कहीं भी कुछ भी पता नहीं लगेगा, तो एक दिन तो आप अगर करवाना है तो प्लीज आप मत ही करवाओ मेरे से क्योंकि मैं आपको कुछ भी नहीं दे पाऊंगी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है हम देखते हैं, आपका नंबर ले गया एंड मुझे था पता नहीं क्या होगा, तो वैसे लग रहा था कि शायद वो नहीं आएंगे ठीक है, बट नेक्स्ट डे वो सेम टाइम पे आ जाते हैं और उनका कोई फोन नहीं आया था और वो आ गए। एंड आने के बाद भी उन्होंने ये बोला पहले कि आप मैं आज करवाने आया हूँ सिर्फ। मैंने कहा अंकल जी मैंने आपसे कल भी यही बोला था, मैं आज भी यही बोलूंगी, तो
तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो फिर वो ऑलरेडी अपनी जेब में वो अमाउंट लेकर आए थे, बट उन्होंने स्टार्टिंग में मुझे यही बोला कि नहीं ऐसा है ना, मैं आज ही करवाऊंगा। तो फिर जब उन्होंने सर ऐसा था कि मैंने मतलब 9,000 लेस करने के बाद उनको बोला था वो प्राइस, तो उन्होंने उन्होंने तब भी मुझसे निगोशिएट करने की कोशिश की, और मैंने मतलब निगोशिएशन कोई कर रहा है और मैं उनको बोल रही सर हेल्थ केयर में तो ऐसा, आप हेल्थ के साथ आप ऐसा करोगे, मतलब सर ये बातें मेरे से पता नहीं कैसे हो गई तब। तो सर उन्होंने मुझे ऑन द स्पॉट वो अमाउंट दिया और मैंने वो फर्स्ट अमाउंट एडवांस ली, और ऊपर जाके जो मैंने डांस किया, बट उसके बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मैम कि अब क्या, क्योंकि मैंने गर्ल्स पॉलिसी नहीं देखी है कभी। फिर मैम मैंने मैम का चैनल खोला और वहां पे जाके देखा जो आपने बताया था उसमें, तो फिर मैंने थोड़ी बुक्स में से भी देखा, फिर मुझे ये पता लगा चलो स्टिमुलेशन क्या क्या पॉइंट्स है, और सर ऐसा लगता था मैंने अब कर तो लिया है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज्यादा है क्योंकि ऑब्वियसली रिजल्ट्स देने हैं। बट सर पता नहीं कैसे, पता नहीं कहते हैं ना कि जहाँ चाह है वहां राह है, हाँ तो सर वो मेरी वो जब उनके वो स्माइल भी नहीं थी, और इवन मुझे ये भी नहीं पता था कि कुछ ग्रेडिंग्स वगैरह के किस लेवल की वो हुआ है उनको पैरालिसिस, तो जो भी मैंने मतलब डायग्नोस किया तो उस हिसाब से मुझे लगा हाँ ठीक है। फिर जब मैं देती गई उन्होंने वन, मैंने उनको बोला था कि 2 to 3 month भी लग जाते हैं, बट ऑब्वियसली वॉज लाइक वेरी स्टबन, तो 1 month उन्होंने कहा कि अभी देखते हैं फिर नेक्स्ट देखेंगे। बट सर 1 month में जो उनकी रिकवरी आई, मैं खुद अपने आप से ही शॉक थी कि ये मैंने किया है फर्स्ट टाइम एवर, और तब मुझे था कि यार काश अभी सर ना और भी चीजें बता दें, ताकि मैम भी ना पेल्स पॉलिसी पे कुछ और भी बता दें, ताकि मैं और भी ज्यादा उसमें चले जाऊं। बट सर वो खुद इतने खुश हो गए थे, उनकी स्माइल आने लग गई, उनके सर ये आईब्रोज अप होने लग गए, सब होने लग गया, एंड सर मेरे से प्राउड कोई नहीं था, और जो एडवांस पेमेंट आई मतलब वो दोनों चीजें सर मेरे लिए तो वो सबसे बड़ी मोमेंट है मेरी अभी तक की। एंड वेरी सर तब से ये हुआ है कि अभी कॉन्फिडेंस तो मतलब यहाँ था तो अब यहाँ पे है, ठीक है मतलब इस वाइज है कि आने दो मैं शायद कर लूंगी। तो पहले तो ऐसा था हाय फोन ना आ जाए, हाय मैं क्या बोलूंगी, ऐसा होता था, बट अब है कि आने दो कोई बात नहीं देख लेंगे, और फिर मुझे बस मन में ये होता है कि मैम है सर है बस कुछ तो हो ही जाएगा। एक्सेलेंट सर बहुत मतलब थैंक यू है आपको, तो मैं यही बोल सकती हूँ। और थैंक सर जो आपने मैम जो आपने इतनी मेहनत की है, मैं मेरे पास एक भी बैक पेशेंट आ रहे हैं, उनको सिजेरियन भी हुआ था उनके, और बैक में इतनी सिवियर प्रॉब्लम थी कि वो करवट भी नहीं ले पाते थे, बट उनको मैंने आपका जो आपकी बुक वाला है वही बैक वाला प्रोटोकॉल वो डे वाइज इतना मैंने सिंसेयरली फॉलो किया होगा, और अभी उनको सिर्फ 18th डे था आज उनका, एंड शी इज लाइक उनको सर्वाइकल में भी ऊपर भी पेन था, यहाँ भी पेन था, इवन बाजू में भी पेन था, एंड शी इज लाइक के अब तो मैं ऑलमोस्ट ठीक हूँ, ठीक है। और इवन शी ऑल्सो सेड दैट मैं आगे से इतनी एक्टिव हो गई हूँ कि पहले तो ऐसा लगता था कोई हथौड़े मार के ना मुझे मतलब इतनी पेन है मेरी बॉडी में, बट कहते अब तो मैं खुद उठ के मैं काम करती हूँ, तो इट वॉज लाइक ये तो मैंने पूछा ही नहीं था, बट पेशेंट मुझे खुद बता रहा है। तो सर थैंक मैम आपने तो मेरी लाइफ तो बदल दी है, और यू आपकी वजह से मैं इतना ड्रीम तो देख पाती हूँ कि मुझे क्लिनिक को कहाँ लेकर जाना है, और जैसे आपने ब्रांचेस खोली है तो ये ड्रीम भी अब देखने लायक है कि हाँ हम ये भी चलेंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली यू हैव दैट स्पार्क थैंक यू सुप्रीत थैंक यू थैंक यू मैम। सॉरी एक्सीलेंट एक्सीलेंट इनफैक्ट योर हस्बैंड इज ऑल्सो इन फिजियो राइट ओके यस सो सर बोथ यस आर सर वर्किंग इन सेम क्लिनिक यस सर बट ही इज डूइंग लाइक इन द मॉर्निंग आई एम इन क्लिनिक एज उनको जाना पड़ता है, लाइक बेड रिडन पेशेंट्स हैं जो हेमिप्लेजिक थे और एक कैंसर पेशेंट थे, तो वो सुबह मतलब वो वाले देखते हैं, एंड इवनिंग में हम दोनों इकट्ठे होते हैं। गुड 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 सो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स एंड रेवेन्यू वेयर यू वेर अर्लियर एंड वेयर यू आर नाउ एक्चुअली सर वैसे तो क्या ही बताऊं, मतलब ये होता था कि कभी कोई आ गया और
इवन सर मेरे पैसे भी मारे हुए हैं, जैसे करवा के कोई चला गया, मेरे में इतने गट्स नहीं थे कि मैं उनको एडवांस पेमेंट के लिए बोलूं। तो मतलब ऐसा था कि कोई आया अपनी मर्जी से, 7 दिन करवाए चले गए, एंड वो अभी तक, इवन आई गॉट दैट मनी ऑल्सो नाउ, वो भी मुझे मिल गए चाहे। बट हाँ ये मैं कह सकती हूँ सर, आप लगा लो कि मिनिमम आप, क्योंकि क्योंकि वो आई एक आधा पेशेंट रहा है, तो आपको मैं मान के चलूँ कि कभी 7 बन गए, कभी 8 बन गए, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि अभी मेरा स्टार्टअप था। बट नाउ सर अभी मेरा मतलब 30 to 40 में रह रहा है रेंज। यस सर, But no, do the ones which are suggested in the marketing actually. Okay, तो यस मार्केटिंग में बताया हुआ है. ओके okay. जितना वहां पे हो सके, मे बी द जीरो मार्केटिंग स्किल्स, बजट, स्ट्रेटजीज और दिस थिंग. सी प्लीज अंडरस्टैंड, फॉर यू टू मार्केट यू जस्ट नीड टू हैव अ नॉलेज. ओके, इट डजंट मीन दैट यू नो इट हैज टू बी अ मार्केटिंग नॉलेज. सी व्हाट एवर यू स्पीक राइट यस सर, फ्रॉम योर हार्ट, ओके, बिकम्स योर मार्केटिंग. राइट, स्पेशली फॉर अ पीपल लाइक डॉक्टर्स, फॉर अ पीपल लाइक कंसल्टेंट्स एंड एवरीथिंग. ओके, यू जस्ट नीड टू स्पीक फ्रॉम योर हार्ट. ओके, यस सो मेक श्योर दैट एंड इट शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ एन पेशेंट्स. ओके, सो पैम्पलेट्स में हो गया, या अपने कम्युनिटी हॉल्स में जो है वहां पे ये करो, यू नो फ्री कैंप्स लो. ओके, यस और फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ को जो है गिव बैक दे दो. दैट्स एन ह्यूज ह्यूज एडवांटेजेस एंड यू नो इट इज इन योर फेवर एक्चुअली. ओके, और जब भी यस सर, कोई ऐसे इवेंट्स करते हो, वो इवेंट्स के पिक जो है अपने क्लिनिक में फ्रेम करके डालो उसको. ठीक है, जो भी आपने सक्सेस फैक्टर्स है अपने फ्रेम करके डालो वहां पे, एक एक वॉल बना दो उस चीज का. ठीक है, सो दैट यू नो द क्रेडिबिलिटी गेट्स बिल्ट अप इंस्टेंटली. ओके, and no, you'll be people will be able to see that. Okay, before seeing you they'll see that first, right? So you know that trust factor जो है ना instant एक built होगा, और you know they'll come with the mindset कि मुझे यहाँ से शुरू करना है. ठीक है, तो make sure you do that. Okay, and what is the message you want to give to the fellow physiotherapists, you know, who are thinking twice or probably you know about this workshop as such, you know, whether they should do it, whether should they shouldn't do it. What's your advice for them? सर एडवाइस एक ही है, क्योंकि मैंने बहुत कोर्सेज में इन्वेस्ट किया पहले भी। बट मैं ये कहूंगी कि कहते हैं ना थिंक ट्वाइस, मैं तो कहूंगी यहाँ पर आपको सोचना क्या, मतलब सोचने वाला वर्ड भी नहीं सोचना है। क्योंकि सर मैं लिटरली बताऊं, अगर आपने 25,000 चार्ज किए भी हैं सपोज, है ना, बट द वैल्यू यू आर गिविंग वो इतनी ज्यादा है, मैं हैरान हो जाती हूँ कि कोई इतना ज्यादा कैसे किसी को दे सकता है। मतलब आपसे ये मैसेज तो डेफिनेटली स्प्रेड होता है कि जैसे बांटने से बढ़ता है वाली बात, तो आप अपनी नॉलेज, ये भी होता है ना कि लोग कहते हैं नहीं यार हम क्यों अपनी चीजें बताएं, हम क्यों अपने सीक्रेट बताएं, आपने इतनी मेहनत की है सर मैम, और पर आप इतना शेयर कर रहे हो। तो मैं तो ये बोलूंगी कि डेफिनेटली कोई भी अगर, क्योंकि मैं आपको अपनी सारी स्टोरी तो नहीं बता सकती इतने टाइम में, बट अगर मैं यहाँ से यहाँ आ सकती हूँ, तो कोई भी अगर कोई ये भी सोच रहा है ना कि यार छोड़ो इसमें कुछ नहीं है, प्लीज आई विल सजेस्ट के प्लीज 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 ये कोर्स तो डेफिनेटली डेफिनेटली करना ही चाहिए, और आगे भी करना चाहिए, क्योंकि सीखने की तो कोई उम्र है नहीं, और जब सीखता ही रहेगा इंसान, चाहे जितना भी हम एक्सपीरियंस हो जाए। Right. So now you know you are a part of an L3 also, right? I यस सर, think यस सर, you are the second or third person immediately paid for that यस सर। सर मुझे तब this लग रहा था कि मैं वो अपॉर्चुनिटी ना, एक बार हुई भी थी आपसे मेरी बात, तो मैं कंफ्यूज हो गई थी, मुझे लगा वो शिट कहीं ये तो नहीं हो गया कि वो टाइम के चक्कर में मैं इसको गवा दूंगी। मुझे सर करना है, मुझे तो लिटरली बताऊं, आज आपने ये ग्रेजुएशन सेरेमनी रखी है, इतना ऑनर तो मुझे जब नॉर्मली बीपीटी वाली डिग्री मिली थी तब भी नहीं मिला था, और ना इतना कोई एंथुजियाज्म था उसको लेने में, सही में बताऊं, क्योंकि हमारे कॉलेज में बड़ा टॉर्चर चलता था, एंड आधा कॉन्फिडेंस गिराने का जो काम है वो उन्होंने ही किया हुआ है, तो मैं उनको कोई क्रेडिट नहीं देती। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ ही अब यहाँ से, आपसे मेरी आगे लाइफ स्टार्ट हुई है, मतलब पता नहीं, मैं तो अभी जो हूँ अभी हूँ,
बस. और इवन सर आपने जो इवेंट्स की बात की है अभी के फोटोज लगाओ एंड ऑल, फर्स्ट टाइम एवर मैंने ये कल फिजियोथेरेपी डे था तो मैंने वो अपने पेशेंट्स का सेशन फ्री किया है सबका, वो या ग्रेटिट्यूड डे लगा लो या कैसे भी उस वाइज, क्योंकि मुझे लगा कि हमें भगवान ने इतना दिया है तो ये हर किसी के पास नहीं होता, तो अगर मेरे पास है तो मुझे वो सेलिब्रेट करना चाहिए और मैं अगर उनको स्माइल्स दे के सेलिब्रेट कर सकती हूँ और मतलब कुछ भी पार्ट अपना डाल सकती हूँ. एंड सर मैंने उनको, क्योंकि अभी थोड़ा मैं बिजी थी तो मैं कुछ ज्यादा नहीं कर पाई, बट मैंने फिर प्लांट्स मैं लेकर आई थी एंड मैंने सबको प्लांट्स दिए एंड मैंने अपने पेशेंट्स के साथ फोटोज भी क्लिक की एंड मतलब ये इतना भी मैं कर पाई हूँ, ये मैंने सोचा नहीं था बट मैंने डेफिनेटली किया. वेरी गुड, डू दैट, डू दैट, यू नो, डोंट हेजिटेट, ओके, टेक इनिशिएटिव्स एंड यू नो द मोर you know get involved with the patients, the more you open up, okay, yes, so yes. That plays an advantage, okay, for you, yes. As such, okay, so the moment aap thoda sa hindrance hote ho ya introvert ya sort of you know hichkichate ho to you know automatically that gets visible in the body language and you know that gives a wrong signal to the message, I mean, yes. To the people, and that's how people will also make a distance with you, right? So that's a thing, but ये जो hesitations, ये जो shy feeling, ये जो outspoken thing नहीं इसलिए आता है, reason is the knowledge. जहां पे knowledge कम होता है वहां पे confidence low हो जाता है, okay, और जब confidence low हो जाता है तो you start getting away with the people. Okay, or yes, getting sir. Running yes, away sir. With that work itself, right? Yes, but sir. Now you have received this huge knowledge. Okay, utilize it to the best possible in the interest of a community as such. And believe me, now you will be one among about 120 people in the world to have this kind of a knowledge. Okay, so yes, never ever consider that low about yourself. Okay, so. दुनिया में कितने लाखों फिजियोथेरेपिस्ट होंगे, बट यू नो यू आर ओनली इन दोस 120 फिजियोथेरेपिस्ट हु हैव दिस नॉलेज, दिस काइंड ऑफ वास्ट नॉलेज, ओके. एंड द वे यू सेड कि कुछ भी आ जाए मैम और सर तो ही हम लोग आपके लिए है, ठीक है, डरो मत, ओके, गो बिंदास, ठीक है, टेक ऑल दोस केसेस, ओके, एंड स्टार्ट डूइंग इट, ओके, वेरेवर यू फील स्टक यू कैन गेट इन टच विद अस, मैम विल हेल्प यू आउट ऑन द टेक्निकल साइड, आई विल बी हेल्पिंग यू आउट ऑन द मैनेजमेंट साइड. Okay. So don't worry. Okay. So always take proper photos also before, yeah. Like Bell's palsy. See, whatever is visible, in terms of anything down in patient, immediately capture it. Continue with the exercises. Again, whatever the whenever you get the changes, like from down, if the patient is progressing, that step by step photo, video, always take it. Make the proper photos and circulate in your patient community. And always, whenever the patient come with the same case, you can show that experience or the feedbacks of patient. Because when it comes to any typical cases, what patient looks, it is not the issue of money. They always see whether this doctor is confident at the same time, eligible to handle my problem. And if you have all the backup data available, the way you speak, immediately patient will see, no, this doctor is right for me and let me go for my treatment. जब पेशेंट बोलते हैं ऐसे कि नहीं फोटो मत लो वगैरह, टेल देम कि कैन आई टेक ओनली द पिक वेयर द विजिबिलिटी इज एन इशू, ओके, सो दैट फॉर यू आल्सो इटसेल्फ टू शो, ओके, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आज आप इस कंडीशन में हो, ठीक है ना, आपको एक वीक के बाद क्या हो रहा है, ओके, सो व्हेन यू सी द प्रोग्रेस वीक वाइज एज सच, ओके, यू योरसेल्फ विल गेट दैट मोटिवेशन एंड यू नो आल्सो यू नो पीपल सफरिंग सिमिलर केसेस, okay, we'll get the inspiration from you and they will get the right direction and you are going to be the catalyst for them actually, right? Yes. So do tell them face blur karo, identity apply kar sakte ho, because that's also helps even patient, jaise matlab main pehle aisi thi ab aise ho gayi hu, so when we look ourselves with that change, that gives motivation to that own person also. That way. See, not necessarily it is visible when I'm saying it's a facial paralysis, facial palsy or stroke or anything that is literally visible.
even for a cases like back pain maybe agar dekhoge to you know you will see the postural change right yes. you will see the walking pattern ka change rahega kyphosis ho sakta hai jahan pe you know pura ek ye aa jata hai wo agar theek hai so wherever you see you know and the most important you know what I have observed in the recent those videos also you know I have seen that you know you guys have not gone through the finer moments of the exercises okay the way ma'am has done so nicely with those you know finer moments you know har ek fine moment while exercises theek hai jab agar aise se leke aise barabar se kar rahe to waise hi karna hai okay you know aise se you know ye nahi hoga is tarah se okay that speed matters that rhythm matters that slowness matters that those momentum matters you know aur कहां से कहां तक लेके जा रहे हो ऑल दो थिंग मैटर्स एक्चुअली ओके एंड व्हेन यू रिस्पेक्ट इट व्हेन यू डू इट ओके यू विल बी एबल टू सी दैट ओके एंड यू विल बी एबल टू गेट इट डन फ्रॉम द पेशेंट्स राइट सो मेक श्योर दैट यू नो यू फोकस ऑन दोस एरियाज एज वेल राइट सो थैंक यू सो मच सुप्रीत यू नो इट्स या यू आर थैंक यू समथिंग आई जस्ट यस सर सर ये जो आपने बोली के फोटोज क्लिक करो सर स्टार्टिंग में मैं सोचना के पेशेंट बोलेगा नहीं मेरी फोटो मत लो फिर सर जब आपसे मिले हूं उसके बाद मैंने ये चीजें सोची कि ये तो मैं सोच रही हूं कि हैव आई आस्क्ड द पेशेंट तो जब मैंने पूछा ही नहीं है तो मैं खुद से अपनी डिस्टॉर्शन क्यों कर रही हूं और सर मैंने बेल्स पाल्सी तो चलो उनकी तो मैंने नहीं की बट जब उनको रिजल्ट एक्चुअली तब मुझे अपने पे ही फेथ नहीं था कि शायद मैं कुछ कर भी लूंगी या नहीं बट जब रिजल्ट आए तो तब मुझे सर बड़ा पछतावा हुआ कि आई शुड हैव क्लिक्ड एंड सर बट फ्रॉम दैट मैंने हर एक पेशेंट से सर जो भी गलती मैंने की है चाहे वो मैंने डील करने में की है चाहे वो ट्रीटमेंट में सर मैंने वो कोई भी दोबारा अगले पेशेंट में रिपीट नहीं की और उस पर मुझे अपने आप पे बड़ा प्राउड होता है कि मैंने रिपीट नहीं की और मैं सीख के मैंने ग्रोथ को फास्ट किया एंड सर मेरे पास फिर एक MS के पेशेंट हैं अभी तो बट उनकी MS तो है बट उनको मेजर प्रॉब्लम थी फ्रोजन शोल्डर और वो इतना सिवियर था इवन मैंने इतना सिवियर फ्रोजन शोल्डर भी नहीं अभी तक देखा थोड़े बहुत तो मैंने देखे हैं तो उसमें तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं थैंकफुली वो 3 months के लिए तो मेरे पास है अभी तो मैंने बट उनको भी ना ऐसे लगने लगा उनके पेन भी बड़ी सिवियर थी तो मैंने पहले तो नहीं ली फोटोज ठीक स्टार्टिंग में नहीं ली बट सर उनको लगने लगा कि कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है क्योंकि सर शायद 0.% ही मूवमेंट आती होगी तो वो तो नहीं दिखती है फिर सर मैंने आइडियाज क्या लगाए कि वो जो स्टिकर से आते हैं तो वो कलर्ड वो मैंने जो एक मूवमेंट आई उस पे से स्टिक कर दिया एंड देन थोड़े दिन बाद आई तो फिर वो थोड़ी रेज हुई तो पेशेंट को वो विजिबल हो गया कि हाँ फर्क तो है फिर देन आई स्टार्टेड क्लिकिंग पिक्चर्स एंड उनको मैंने दिखाया कि देखो एंड सर मुझे खुद भी हैरानी हुई पिक्चर क्लिक करने के बाद 10-12 डेज के गैप में ही इतनी मतलब अगर इतना हाथ का डिफरेंस है तो वो इतना रह रहा है तो खुद लगा कि अच्छा इतने टाइम में इतनी रिकवरी आ रही है तो फिर अब मैं मतलब फोटोज क्लिक करने में बड़ी सही हो गई एक्सीलेंट ग्रेट आई थिंक यू नो दिस इज अ ह्यूज लेसन फॉर अदर पीपल ओवर हियर ओके सो बी क्रिएटिव इन टर्म्स ऑफ यू नो फाइंडिंग आउट द रिजल्ट शोइंग द रिजल्ट एज सच बिकॉज you know everything cannot be done objectively right you know it could be subjectively also in some cases okay but that subjective how we can convert it into an objective so that you know it becomes a logical reasoning right so that she has done excellent Supreet very very thank nice you, thank you. Right thank you. So wish you all the best okay keep sharing your stories ye mujhe bar bar kehna isliye padta hai kyunki kya hai na see please understand now in the you will be shifted to a mentees group okay the people who are graduated in the mentees group as such okay there you will see everyone sharing the stories right so you know make sure you also share the stories over there so that you know you get the feedbacks also right you get the feedbacks yes. you get the appreciations you get the you know the ideas learnings okay ideas. So right that's what you know sirf lena nahi hame lena hai theek hai to make sure that you know you start even giving to the community as well as the patient community as well right
So thank you so much, Supreet. And wish you all the very best. Wish you all the best. Thank you, sir. We are really happy for listening your story. Absolutely. Thank you, ma'am. Thank you. Best luck. Yeah. But the purpose itself is that, okay, and you know, seeing that achieved, okay, gives a great feeling. Yes, you made me emotional multiple times. Okay. Sir, I even got emotional when Saraswati prayer was that time. I don't know why, but I got emotional. Maybe aisa kabhi hua nahi hai mere saath, and itna respect, honor, and aap